प्रयत्न झाला, स्विच इट करण्याचा प्रयत्न होता. शिवा भालेकर त्या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावरती होत्या. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती एक धाव जोडली गेली, पुढचा चेंडू मात्र निर्धाव. आणत्या जोरावरती आपण पाहतोय बिनबाद 11 धावा धावफलकावरती. दरम्यान जनार्दन छोट्या तणीचा गोलंदाज, छोट्या तणीचा फलंदाज. डाव्याष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर पंच दिनेश नाईक यांचा इशारा वाईट. धावफलकावरती धावा झळकत आहेत बिनबाद 12. दिनेश नाईक यांना पाहिल्यानंतर डिकी बट यांची आठवण येते. टेनिस क्रिकेट गाजवलेला, त्याचप्रमाणे लेदर क्रिकेटचा सुद्धा खेळ खेळणारे हे आमचे पंच आहेत. दरम्यान जनांचा पुढचा चेंडू, समोर जाईल शिवा. निश्चितच डिस्क्वेलच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक तैनात होता. एक जाळं विणलं होतं, त्या जाळ्यामध्ये अचूक मोठा मासा सापडला जातोय, अचूक झेल टिपला जातोय. पकडा कॅच, जिंका मॅच या मंत्राचा स्वीकार होतोय. पहिला झटका फटका बसतोय 12 धावांवरती. हॅलो, खेळ सुरू करायचा प्लीज. खेळामध्ये व्यत्यय निर्माण होणार नाही याची दक्षता आपण सारेजण घेणार आहोत. एखादा फलंदाज बाद झाला तर लगेचच तंबूतनं पुढच्या फलंदाजानं मैदानात प्रवेश करायचा आहे. दरम्यान जेसीबीचा पुढचा चेंडू, त्याला सामोरं जाण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज भावेश. अष्टपैलू खेळाडू आहे सुदान स्पोर्ट्स बादाणे संघाचा. एक स्लोवर चेंडू, बॅटची हलकी कडा घेत शॉर्ट थर्डमॅनच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय. एक धाव मिळते 13 धावा धावफलकावरती. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये एक मोठा मासा जाळ्यात अचूक अडकला गेला. निश्चितच पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा होत्या. जेसीबीचं कौतुक करावं लागेल. आतापर्यंत टाकलेल्या 4 चेंडूंमध्ये त्याने 3 धावा दिलेल्या आहेत आणि एक अतिशय महत्वपूर्ण गडी बाद केलेला आहे. गोलंदाजी एकंदरीत विश्लेषण अतिशय जबरदस्त. जेसीबी गोलंदाजीसाठी तयार. सामोरा जाईल ललित राणे. निश्चित एक जबरदस्त प्रहार करण्याचा प्रयत्न. काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्राकडे चेंडू जातोय, मात्र केवळ आणि केवळ एकच धाव मिळेल. एक धावीच्या जोरावरती धावफलकावरती धाव झळकत आहेत 14. 10 सरासरी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर होती, मात्र जनार्दन जेसीबीनं धावसंख्येला लगाम लावलेला आहे. जी गाडी हायवेवर पळत होती जणू काही ती आता ट्रॅफिकमध्ये फसलेली, अशा पद्धतीनं दुसऱ्या षटकाची हाताळणी आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकावरती एक गड्याच्या मोबदल्यात 14 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू भावेशसाठी. निश्चित भावेशच्या बॅटमधून निघालेला मिड विकेटच्या वाडी क्षेत्रात अतिशय दणदणीत सणसणीत खणखणीत षटकार आणि या षटकाच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत एक गड्याच्या मोबदल्यात 20. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावरती होत्या. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा. उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये काय घडणार आहे नक्कीच आपण ऐकू आदित्य जाधव यांच्या आवाजामध्ये. व्हॉइस ऑफ पीटीसी हिंदीचे समालोचक, स्वागत आहे दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळच्या सत्रामध्ये आदित्य जाधव आपलं. धन्यवाद शॉट सर. दौर की समाप्ती के बाद कुल मिलाकर 20 बने, जिस तरह से गेंदबाजी की थी जनार्दन ने, शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर भावेश राणे ने अपने बाजू को पूरी तरह से खोल दिया था और वाइडिश डीप मिडविकेट के ऊपर से एक आसमानी टोला लगाया था आखिरी गेंद पर, वहीं से स्कोर उछल गया था 20 के ऊपर. दौर की समाप्ति के बाद 20 शिवाजी भालेकर आउट होने के बाद. टॉस जीतकर आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था सुदाम स्पोर्ट्स भदा ने ए के सामने. देखिए टेनिस क्रिकेट का अगर आकलन किया जाए तो फिर दौर में 20 एक अच्छा टोटल हम मान सकते हैं, लेकिन इस मैदान पर
50 के ऊपर सेफ टोटल माना जाता है, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है और कहीं ना कहीं आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण भी कई मर्तबा मैचेस हारे गए डेविस। मतलब उछाल दिया ललित ने, ऑन साइड में गेंद जारी है डीप मिड विकेट पर। अब जाके जयेश भगत गेंद को उठाते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कैच लेने की कोशिश की थी पर मिड विकेट के खिलाड़ी चेतन वारके ने, लेकिन रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 एक विकेट गंवाने के बाद आतिश लोने इस पर गेंदबाजी करते हुए और नंबर 3 में वीआईपी डेज एंड के जानिब से भावेश राणे के लिए एक डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया है 6 रन कम। वेश राणे को अब इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, फुल टॉस गेंद थी उनकी मनपसंद गेंद की थी और मिडल किया था, शॉट्स के पीछे ताकत और एलिवेशन और बाउंड्री को क्लियर कर दिया था ऊपर भावेश राणे ने और गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। सत्ताईस रन स्मरदबा खींच के मार दिया, लेकिन ओहो क्या छुट्टा हुआ जनार्दन भुईर के हाथों से और जीवन दान मिलता हुआ, ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद थी उसको खींच के मार दिया था, कंट्रोल पुल शॉट था लेकिन गेंद सीधा डीप मिड विकेट की खिलाड़ी जनार्दन के हाथों में चली गई थी, एक आसान सा कैच छूट गया था, जीवन दान। जिस तरह से परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखकर इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है भावेश राणे की, जो मैच की सिचुएशन है उसको देखकर बल्लेबाजी हो रही है। आतिश लोने ललित के लिए उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद चली गई थी विकेट कीपर सुभाष के पास, रुका हुआ स्कोर 28 रन एक विकेट गंवाने के बाद। आतिश लोने फुल टॉस गेंद और गेंद चली गई लॉन्ग लेग की दिशा पर डीप में, आउटफील्ड काफी तेज 4 रनों के लिए। की गेंद बहुत खराब थी, लेकिन लॉन्ग लेग की खिलाड़ी 30 गहरे के अंदर रिंग के अंदर थे और उनको गेंद बीट करके चली गई थी डीप लॉन्ग लेग की दिशा पर 4 रनों के लिए, कीमती 4 रन मिलते हुए। फिर से उच्च बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन नो बॉल का इशारा मैन अंपायर शानू कुरेशी का, ओवर स्टेपिंग कर बैठे थे ऊपर आतिश लोने। थ्री हिट का सामना करते हुए अब ललित राणे एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, कहीं ने कब अब रन रेट को आगे बढ़ा दिया इस ओवर में, जबकि दो ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 20 थे और तीसरे ओवर में अभी तक 33 बने। स्मरता ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी है डीप स्क्वायर की दिशा पर, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, देखना क्या कुछ हुआ है। दो रन पूरे करते हुए इस वक्त बहुत अच्छी दौड़ थी, कॉलिंग यस नो और वेट का बहुत अच्छा मिश्रण था। तीन ओवर की समाप्ति के बाद सुदाम स्पोर्ट्स भाथा ने एक स्कोर शिवाजी भालेकर आउट होने के बाद 35 रन फॉर दी वन विकेट्स एज फॉर एज सुदाम भाथा ने एक अंसन। आखिरी और स्लॉग ओवर का खेल बचा इस ओवर में, अगर 10 या 15 से अधिक रन बनते तो फिर एक अच्छा टोटल माना जाता है इस मैदान पर, जहां पर आदित्य के बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से टेस्ट कर सकते हैं। देखिए अब आखिरी ओवर का जो कमान है वो समीर भजागे के ऊपर सौंप दिया है जनार्दन भुईर ने, हालांकि आदित्य के भावेश पवार है वो, देखना आज भावेश पवार बनते या नहीं।
समर्थवा खेल दिया, गेंद जारी है लॉन्ग स्टॉप पर, चार रनों का इशारा तबा दिनेश नाइक का। इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद की थी। इसके बाद होने वाला मुकाबला स्वराज ढोले बनाम कार्तिक स्पोर्ट्स अतकुली के बीच में, जबकि दूसरे राउंड का पहला मुकाबला रहेगा वो। उसके बाद किरण स्पोर्ट्स जांबुलपाड़ा बनाम भूकरी एसीसी पड़गा बनाम सोरगांव। इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद, लोअर फुलटा उसको खेल दिया, गेंद जारी आती शेलोने के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देते हुए चार रन। समीर भजाके के सामने अपने बाजू को खोलते हुए भावेश राणे बहुत अटैकिंग मूड में नजर आ रहे। सभी गेंदबाजों के सामने उन्होंने रन बनाए। लेफ्ट आर्म और द विकेट स्मृत हवा में खिलाया, गेंद के नीचे ललित और भावेश राणे की पारी का अब अंत होता हुआ। पड़गा के लिए भावेश राणे आसमान में उछाल दिया था गेंद को, एलिवेशन नहीं बना था, ज्यादा आसमान में गेंद चली गई थी और बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगा था ललित अगिवले ने। और भावेश राणे जो गले की हड्डी बन रही थी आदित्य पड़गा के लिए, वो इस वक्त डगआउट में लौट रहे। एक अच्छी पारी खेलकर 22 रनों का योगदान दिया था उन्होंने, 2 सिक्सर और 2 चौकी की मदद के साथ। समीर गेंदबाजी कर रहे, सामना कर रहे अब ललित, नए बैट्समैन स्वप्निल आ चुके, एक अच्छा ऑलराउंडर है सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने ए टीम के। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑफ स्टंप को छोड़ती है गेंद अधिक भारती, व्हाइट का इशारा था वह दिनेश नाइक सर का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, धीरे धीरे 50 को अब छू रहा है स्कोर सुदाम स्पोर्ट्स भाता नहीं का। उछाल दिया आसमानी टोला, ओ हो गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए जो इलेक्ट्रिक सिटी की जो पोल है, जो लाइन है, उसको लगने के बाद भी गेंद मैदान के बाहर चली गई थी, मतलब इस शॉट्स के पीछे पूरी तरह से ताकत को झोंक दिया था ललित ने और गेंद चली गई थी मैदान के बाहर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। मर्तबा शरीर को निशाना बनाते हुए और आउट, काफी दूर। श्रावण स्फोट भोकरी यांनी आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे, त्याचप्रमाणे एस एस सी पडघे आणि सोरगाव याही संघांनी संपर्क साधायचा आहे। स्वराज ढोळेपर्यंत माझा जर आवाज पोचत असेल तर पुढील सामना स्वराज ढोळे वर्सेस कार्तिक स्पोर्ट्स अतकोली या दोन संघांमध्ये खेळवला जाईल। चार ओवर की समाप्ती के बाद कुल मिलाकर 50 रन बने और 51 रनों की चुनौती रखी है सचिन पटेल फैम टीम आदित्य पड़गा के सामने, ऑर्गेनाइजिंग टीम सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने ए ने।
देखिए कार्तिक स्पोर्ट्स अतकुली के खिलाड़ी आपको कहीं भी नहीं जाना है। चार ओवर में जीतने के लिए 51 का टारगेट रखा है ऑर्गेनाइजिंग टीम सुदाम स्पोर्ट्स भादानने गेस्ट टीम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के सामने। पहला मुकाबला बहुत क्लोज फोटो फिनिश में चला गया था मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली बनाम कार्तिक स्पोर्ट्स और एक रन से मुकाबला उसको जीत हासिल की थी कार्तिक स्पोर्ट्स ने। अतकुल एक्कावन्न धावांचं लक्ष्य, पहिला चेंडू आणि जातीच्या सुरेख अशा पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो जसा चेंडू त्या पद्धतीने दिशा देण्याचं काम फलंदाजांना केलं जातंय। चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, पंचांचा इशारा पाहूया आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार। वेल बिगिनिंग हाफ डन असं म्हटलं जातं, दणदणीत सणसणीत खणखणीत असा प्रारंभ आरंभ आणि शुभारंभ केला जातोय आदित्य पडगे संघाकडनं। अतिश लोणेच्या बॅटमधून निघालेला एक देखणा कवरचा चौकार, विजयाचं लक्ष 51 धावांचं आहे आणि शिराणे गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय। पुढचा चेंडू क्षेत्रक्षणाची रचना जर पाहिली आपण तर अगदी एसटीच्या लगत एसटी रक्षक आपल्याला दिसतोय। एक शॉर्ट फाईन लेग स्क्वेअर लेग मिड ऑन एक्स्ट्रा कवर कवर पॉइंटच्या शेतात, आता मात्र चेंडू अतिरिक्त बाहेर आहे। चेंडूची पेरणी उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू, पंचांचा इशारा वाईड। दोन क्षेत्ररक्षक हा लॉंग ऑफच्या सीमेरेषेवर तैनात दिसतोय। एकंदरीत धाव बळकावती धाव झळकत्यात, बिनबाद पाच, विजयाचं लक्ष 51 धावांचं प्रतिषटकामागे जी सरासरी आहे ती जवळजवळ। निश्चितच दोन्ही चौकार जोडले गेले, एक कवरच्या क्षेत्रामध्ये डीप कवरला चौकार जोडला गेला। पुढचा चेंडू आपण पाहिला तर उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर चेंडूची पेरणी केली होती, कच्च्या फटक्याचा वापर केला, हा चौकार जोडला गेला एक वाईटच्या रूपानं धाव। अशा पद्धतीने धाव बलकावती बिनबाद 9 धावा। दरम्यान गणेश राणे सज्ज, छोटासा रनअप समोर जातोय आतिश। निश्चितच मिस टाईम शॉट, चेंडू हवेत गेलेला आहे, स्वतः गणेश राणे चेंडू खाली येतोय, एक अचूक झेल टिपतोय आणि पहिला झटका फटका बसतोय आदित्य पडगे संघाला। दरम्यान आतिश लोणीची जागा घेण्यासाठी सुभाष वारके एका बाजूला आपण पाहतोय, सुभाष वारके दुसऱ्या बाजूला असेल फलंदाज समीर बजागे। आज मला वाटतं समीर बजागे अष्टपैलू खेळाडू बनलेला आहे, आतापर्यंत फलंदाज म्हणून त्याची जबाबदारी असायची, मात्र या स्पर्धेमध्ये एक गोलंदाज म्हणून तो सुद्धा जबाबदारी पार पाडू लागलेला आहे। थोड्याशा अधिक धावा त्याच्या गोलंदाजीवरती वसूल केल्या गेल्या, मात्र फलंदाजीच्या माध्यमातून त्या धावा तो पूर्णपणे वसूल करतोय का पाहूया। इट का जबाब पत्थर से द्यावा लागेल, कारण दहा फलकावरती 51 धावा हे विजयाचं लक्ष आहे। दरम्यान गणेश राणे पुढचा चेंडू डावखुऱ्या हाताने खेळणारा फलंदाज समीर सामोरं जातोय। निश्चितच समीरच्या बॅटमधनं सुद्धा कटच्या फटक्याचा वापर केला जातोय। पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक थोडासा मागे धावत जातोय,
अचूक रीतीने चेंडू अडवतोय आणि अशा पद्धतीनं एक धावीच्या जोरावरती दहा फलकावरती धाव झळकत आहेत. एक बाद दहा धावा, पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. सुभाष वारके एक दमदार फलंदाज, यष्टी रक्षक म्हणून आपल्या संघाची जबाबदारी तो पार पाडत असतो. मात्र या ठिकाणी फलंदाज म्हणून वरच्या क्रमाला आलेला, सलामीला आलेला फलंदाज अतिश बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी मैदानावरती प्रविष्ट. गणेश राणे सज्ज होतोय गोलंदाजी, सामोरा जाईल तो सुभाष वारके. निश्चित अतिशय सुरेख अशा पद्धतीचा प्रहार आपला पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय वाडेश लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात, केवळ केवळ एक धाव मिळेल याची दक्षता स्वप्नील घेतोय. मात्र चुकीच्या पद्धतीची फेकी होती. एक धावीच्या जोरावरती दहा फलकावरती दहा झळकतात. एक गड्याच्या मोबदल्यात अकरा. दरम्यान पुढचा चेंडू गणेशचा, सामोरा जाईल समीर बजागे. एक गड्याच्या मोबदल्यात अकरा धावा, विजयाचं लक्ष 51 धावांचं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सुदाम स्पोर्ट्स बादाणे संघाची धावसंख्या होती 10, दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1-20 अशा पद्धतीने 10-10 सरासरी. मात्र चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 फलकावरती 50 धावा झळकल्या होत्या. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चित जबरदस्त आघात आपला पाहायला मिळतोय. डाव्या एष्टीवरती चेंडूची पेरणी केली आणि हा चेंडू समीर बजागेसाठी बोनस होता, त्याचा सहज स्वीकार केला. बॅकवर्ड डी स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक दणदणीत सणसणीत खणखणीत षटकार जोडला. गड्याच्या मोबदल्यात 17 धावा, उर्वरित 3 षटकांमध्ये आता मात्र 34 धावा जोडण्याचं आव्हान येऊन ठेपलेलं आहे. सरासरी कुठेतरी थोडीशी खाली येते. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज स्वप्नील कथोरे. मुख्य आधारस्तंभ असेल हे षटक. दोन्ही षटकाच्या दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पाहायला गेलो तर अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे, कारण पॉवर प्लेचा जो खेळ आहे तो या ठिकाणी संपलेला आहे. कशा पद्धतीने धारदार गोलंदाजी होते आणि कशा पद्धतीने धुव्वाधार फलंदाजी, तर दोन्ही संघाच्या अस्तित्वाचा हा प्रश्न. धाव फलकावरती धाव झळकलेल्या आहेत. गड्याच्या मोबदल्यात 17 धावा, विजयाचं लक्ष 51 धावांचं. सुदाम स्पोर्ट्स बादाणे आयोजित सुदाम चषक 2020 मानाची सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेच्या या लढाईला सुरुवात झालेली आहे. सकाळच्या सत्रात पहिला सामना अतिशय रोमहर्षक अवस्थेमध्ये पार पडला. केवळ एका धावेनं कार्तिक स्पोर्ट्स अतकोली संघानं विजय प्राप्त केला. दरम्यान पुढचा चेंडू पुनश्च अतिशय सुरेख देखणा प्रहार आपला पाहायला मिळतोय. बॅकवर्ड डीप पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्रक्षकानं चेंडू अडवपर्यंत 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. 2 धावीच्या जोरावरती 10 फलकावरती 10 झळकतायत. 1-19 एक चांगला प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय आदित्य पडगे संघाकडनं. एक नामांकित संघ, आपण जर मागे 2-3 वर्ष गेलो तर निश्चितच आदित्य पडगेचा एक दबदबा सर्व संघांवरती असायचा आणि तो दबदबा निर्माण करायचा असेल तर निश्चितच चांगल्या पद्धतीचा खेळ त्यांना खेळावा लागेल. दरम्यान स्वप्नीलचा पुढचा चेंडू थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू, चांगली उसळी प्राप्त केली, अचंबित केलं फलंदाजाला आणि निश्चितच निश्चित पंधराचा इशारा वाईड. 1 10 मिनिटे 1 धावीच्या जोरावरती 10 फलकावरती 10 झळकतायत. 20 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू आता मात्र आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचा स्विंग प्राप्त केला होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, कोणत्या प्रकारची धाव मिळत नाही. बॅटला येऊन चेंडूचा स्पर्श झाला आणि स्वतः गोलंदाजा चेंडू अडवतोय. एक गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा, विजयाचं लक्ष 51 धावांचं.
अतिशय सुरेख अशा पद्धतीची गोलंदाजी, एक स्लोवर चेंडू आणि मला वाटतं काही मनकवडे चाहते सुद्धा असतात, पाठीराखे असतात. माझ्या बाजूला नरेश राऊत आहेत, ते ज्या पद्धतीची प्रतिक्रिया व्यक्त करतात त्या पद्धतीची गोलंदाजी स्वप्नील कथोरे यांच्याकडनं होते. एकेरी धाव जोडली गेली, एक धावीच्या जोरावरती धाव पलकावरती धाव झळकत आहेत. 21 समीर बजागे पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती अतिशय सुरेख असा प्रहार केला आणि त्या जोरावरती उत्तुंग षटकार जोडला गेला. दरम्यान पुढचा चेंडू, आता मात्र खोलवर डब्ब्याचा चेंडू टाकण्याच्या नादामध्ये कुठेतरी फुलटॉस चेंडू टाकला गेला. दोन धावा लिहिल्या पूर्ण आणि क्षेत्रक्षणाचा गलथानपणा, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. निश्चितच सुरेख अशा पद्धतीने चेंडूची हाताळणी, मात्र चेंडू येऊन शरीरावर जरी आदळला असला तरी सुद्धा कुठेतरी चेंडू एष्ट्याच्या दिशेने नव्हता, अपील केला गेला होता, पेटाळला गेला. लेग बाईच्या रूपात एक धाव मिळते, धाव पलकावरची धाव झळकत आहेत. 26 धावा, अजूनही 25 धावा जोडण्याचं आव्हान आहे. निश्चितच पहिल्या षटकात ज्या 17 धावा जोडल्या गेल्या त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत या षटकातसुद्धा 9 धावा जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि अतिशय जमीची बाजू आहे आदित्य पडगे संघासाठी. दरम्यान स्वप्नीलचा पुढचा चेंडू, समोर जाईल तो सुभाष, अतिशय सुरेख प्रहार, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात, सीमा रेषा पार षटकार. एक अचंबित करावं आपण फलंदाजाला हे मनसुबे ठेवले होते स्वप्नील कथोरेने, मात्र सुभाष वारके सुद्धा सज्ज होता. कोणत्या प्रकारचा चेंडू येईल आणि त्या चेंडूला त्याने डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये भिरकावून दिलं, षटकार प्राप्त केला. षटकाराच्या जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकत आहेत. एक गड्याच्या मोबदल्यात 32 धावा, 12 चेंडू, 19 धावांचं समीकरण येऊन ठेपलेलं आहे. या 12 चेंडूत 19 धावा कशा रीतीने जोडल्या जातील आपण ऐकणार आहोत आदित्य जाधव यांच्या आवाजात. धन्यवाद गायकवाड सर. आखिरी गेंद पर चेंज ऑफ पेस किया था, गति में परिवर्तन और उस लेंथ को पहले ही पढ़ लिया था बैट्समैन सुभाष ने और गेंद को भेज दिया था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए. दौर की समाप्ति के बाद 32 रन, जिस तरह की परिस्थितियां रहती उसके अनुसार अगर आप बल्लेबाजी करते तो फिर वो सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं और वही काम किया था पर सुभाष ने अपनी टीम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के लिए. तीसरे ओवर के लिए भावेश राणे को बुलाया अटैक पर. भावेश ने बल्लेबाजी में 22 रनों का योगदान दिया था जिसमें 2 सिक्सर और 2 चौकी की मदद के साथ. जो काम बल्लेबाजी में किया था वही काम अब गेंदबाजी में करना होगा भावेश को अगर इस मैच को सुदाम स्पोर्ट्स भादाने ए को जीतना है तो. लेकिन जब तक सुभाष और समीर बजागे क्रीज पर रहेंगे तब तक आशाएं काफ़ी जीवित रहेंगी. आने वाले बैटिंग ऑर्डर में ललित, परेश, कई ऐसे नाम है जो आकर रन बना सकते, जनार्दन भी है. आतिश लोने आउट होने के बाद 32 रन, दौर की समाप्ति के बाद आदित्य पड़गा. फुल टॉस गेंद, टॉप एज लगाए, विकेट कीपर गेंद के नीचे जा रहे और बड़ी विकेट हासिल करते हुए भावेश राणे. क्या कमाल का कैच लिया ऊपर विकेट कीपर शिवाजी भालेकर ने. विकेट कीपर थे और स्क्वेअर लेग की दिशा पर भागकर चले गए थे क्योंकि समीर बजागे का कैच था और भावेश राणे ने आज पूरी तरह से 100% देने की कोशिश की अपने टीम के लिए.
दूसरी विकेट गिरती भी आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा की, जबकि लक्ष्य 51 रनों का है। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था दौर की समाप्ति के बाद, लेकिन तीसरे ओवर में आते ही पलट कर वार कर दिया भावेश राणा ने पूरी आदित्य पड़गा के सामने। भावेश राइट आर्म और दी विकेट, छूटी गेंद, एलिवेशन नहीं बना, कॉटन बॉल का खतरा और क्या छुट्टा हुआ सुभाष का, रन आउट का मौका है, लेकिन हो ये देखिए अब कितने रन इस गेंद पर देखने वाली बात रहेंगी। और 6 रनों का इशारा था, वह मौका भी दिया और 6 रन भी दिए, पर कैच छूटा, ऑस्ट्रेलियन अंदाज में कैच लेने की कोशिश की थी गेंदबाज भावेश राणा ने, कैच छूटा, लेकिन ललित रानी का जो थ्रो आता, तीन खिलाड़ी आए थे बैकअप के लिए, लेकिन तीनों से गेंद रुक नहीं पाई और गेंद चली गई थी ओवर थ्रो के रूप में 4 रनों के लिए। 38 पर जाता हुआ स्कोर इन 6 रनों के मदद के साथ। इसमें ना भावेश राणा की गलती है, हालांकि अगर थ्रो सटीक रहता तो फिर कहीं ना कहीं मौका भी बन सकता था, क्योंकि डेंजर एंड पर थ्रो जा रहा था ललित का, लेकिन काफी वाइड थ्रो था। स्मर्ता बहुत अच्छी गेंद, डिफेंस कर दिया, रनआउट का मौका है, निशाना छूक गया, लग गया ऊपर और बेल स्ट्रिप होती हुई और आउट होते हुए ऊपर सुभाष। जो भारत बनाम न्यूजीलैंड का जो दौरा था उसमें गेंद डालते समय भी बेल से ट्रिप हो गई थी और कुछ ऐसे वीडियो थे कि काली शक्ति का पर उपयोग हुआ, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन बेल्स काफी देरी के बाद गिर गई थी, जिस तरह से थ्रो किया था भावेश राणा ने और रनआउट की शिकार होते हुए सुभाष, और जिस तरह से ये विकेट गिरा था ऐसा लग रहा कि काली शक्ति का उपयोग हो रहा है। स्मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, नीचे बैठ गई थी, सवाल पूछा हुआ पर बहुत प्रोडक्टिव और इस वक्त चलता हुआ भावेश राणा का इस मैच में काफी कीमती, और हालांकि 6 रन ओवर थ्रो के रूप में जरूर बने लेकिन 2 विकेटें भी हासिल की है, जिसमें एक विकेट रनआउट के रूप में गिरा, वो भी भावेश राणा ने हिट किया था, जिस तरह से सुभाष आउट हुए थे भावेश मुड़ते हुए। स्मर्तवा फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन ललित राणा से कैच छुट्टा हुआ, दूसरे की कोशिश कर रहे हो पर अब जाके संजय कंबले गेंद को उठाते हुए, ललित भी 2 रन पूरे करते हुए, ललित को जीवन दान मिलता हुआ, स्कोर आगे उछलता हुआ 40 रन, अभी भी जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 11 रन, इस मैदान पर 11 रन बहुत आसान रन माने जाते हैं क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज और कड़क है, 7-11 का इक्वेशन। जिस तरह से सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने बी ने क्रिकेट खेला था उसी तरह का क्रिकेट इस वक्त नजर आ रहा है। स्मर्तवा ज्यादा शपल हुए, बीट हुए विकेट कीपर, देखना गेंद बल्ले से लगी या नहीं, 22 का इशारा आता हुआ दिनेश नाइक का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 बने और बची भी 1 ओवर में अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत, मैच अभी भी बंद लिफाफे की तरफ आगे ढकलता हुआ। देखिए पहले ओवर में गणेश ने 17 रन खर्च किए थे, उसके बाद स्वप्निल का 15 रनों का स्पेल चला गया था और भावेश का बहुत अच्छा ओवर घटा है, जिसमें 2 विकेटें गिरी और सिर्फ 9 रन, लेकिन जो 6 रन ओवर थ्रो के रूप में बने वो कितना गुल खिलाते, इस मैच में क्या मोड़ लाता है आने वाला समय ही बताएगा। सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने ए टीम को देखिए अब मिडल कॉन्फ्रेंस होती भी, टीम मीटिंग होती भी खिलाड़ी के बीच में, देखना किसको अब अटैक पर बुलाते हैं आखिरी ओवर के लिए।
ललित को बुलाया लगा, ललित इस सत्र में बहुत कम टूर्नामेंट खेले। ललित लेफ्ट आर्म और दी विकेट जाते हुए ललित के लिए समर्थवा पंच कर दिया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर और बढ़िया कैच। कि काफी रूम दिया था ललित अग्निवली को और मौका दिया था अपने बाजू को खोलने के लिए और उन्होंने शॉट तो बहुत कमाल का खेला था, लेकिन शतरंज की जो जाल बिछाई थी मैदान पर उस जाल में फंसते हुए और सीधा गेंद हेमंत के हाथों में जाकर बैठ गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर और ललित की पारी का अब अंत होता हुआ। ललित राणे ललित अग्निवली को डगआउट में भेजते हुए बड़ी विकेट हासिल करते हुए मैच का अब दिशा और दशा तय करने वाला ये विकेट था ललित अग्निवली का। बची भी 5 गेंद या अभी भी 10 रनों की जरूरत, मुकाबला अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मुकाबला अगर टाई होता है तो फिर सुपर ओवर, कल चोटी का आखिरी मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली बनाम बी बॉयज अर्जुली के बीच में। बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी कल नीलेश देसले ने सुपर ओवर में, घूम के मार दिया गेंद जा रही है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर 6 रन, कमाल का शॉट खेला ऊपर चेतन वारके ने और गेंद बल्ले से निकली तब उस पर मोहर लगी थी 6 रनों की। देखिए गायकवाड स्पिन गेंदबाजी हो रही थी और अगेन दी स्पिन खिला था शपल वे थे ऑबस्तम के बाद और घूम के अपने बॉडी को पोजीशन में लाया था, रूम बनाते हो पर और गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। बची भी 4 गेंद और अभी भी 4 रनों की जरूरत, चेतन वाड़के के बल्ले से निकलता हुआ सिक्सर, मैच अभी भी इस वक्त समाप्त नहीं हुआ, 4 गेंद और 4 रनों की जरूरत। कल 6 गेंदों पर जब 6 रन चाहिए थे जब सुपर ओवर में मैच चला गया था अर्जुली बनाम कुक से बोरीवली के बीच। ललित लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आउट, यस प्लम एलपीडब्ल्यू थे विकेटों के सामने बिल्कुल पकड़े गए थे और चेतन वर्क के आउट होते हैं भाई। स्मर्तबा बहुत कमाल का शॉट खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर और गेंद चली गई मैदान के बाहर और इस कप से बाहर होती भी। सुदाम स्पोर्ट्स भदाने अनेक अनेक अभिनंदन सचिन पाटिल और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा, अभिनंदन कैप्टन सुभाष जयेश वर्के जयेश भगत एंड चेतन वर्के जिन्होंने एक अच्छा सिक्सर लगा था। नाणेफेकी साठी आदित्य पडगे संघाचा कर्णधार आणि किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा दोन्ही संघाच्या कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचे।